हाँ जी बेटा, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है, व्यापार का जो चल रहा था कि कंपनी की सत्ता की स्थापना की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भारत में अपना व्यापार कैसे स्टार्ट किया, भारत में व्यापार होने लगा किस तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों ने अपने पैर फैलाने लगे भारत में, ठीक है। तो अब आप लोग पेज नंबर H14 निकाल लीजिए। H14 पर बेटा जो हमने कल पढ़ लिया था, मैसूर का प्रथम युद्ध जो था वो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। मैसूर के प्रथम युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जो मैसूर का शासक था, मैसूर के राजा थे, उनके डेथ होने के बाद जो मैसूर के राजा का सेनापति था हैदर अली, उनको मैसूर का नवाब बना दिया गया। और मैसूर के नवाब बनाने के बाद में जब वहां पर अंग्रेजों ने हमला किया, अंग्रेजों के साथ में उनकी लड़ाई हुई, तो उसमें जो हैदर अली थे वो जीत गए थे। और हैदर अली से संधि की थी किसने, अंग्रेजों ने संधि ये की थी कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपको जब भी सेना की जरूरत पड़ेगी, तो अंग्रेज सरकार की तरफ से आपके लिए सेना भेजी जाएगी, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं हम सेकंड, मैसूर का युद्ध कल हमने पढ़ा था, 1767 से 1769 तक हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध देखेंगे, 1771 में ईस्वी में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज उसकी मदद के लिए नहीं आए। हमने प्रथम मैसूर के युद्ध में ये पढ़ा था कि जब अंग्रेज हार गए थे, तो मैसूर के नवाब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी कि आपको जब भी मैसूर के शासक को, जब भी नवाब को, जब भी जरूरत पड़ेगी सेना की, तो अंग्रेजी सरकार की तरफ से उनके लिए सेना भेजी जाएगी। लेकिन जब 1771 में जब लड़ाई लड़ी गई, जब 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर, मतलब मैसूर पर हमला किया, तो अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई भी नहीं भेजा सैनिक। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों में माहे पर बंदरगाहें भी छीन लिए। हालांकि इसके अतिरिक्त और क्या क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के, जो फ्रांसीसी के अंडर थे, माहे के बंदरगाहें वो भी छीन लिए गए। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे के बंदरगाहों को खाली करने को कहा, क्योंकि मैसूर के व्यापार के लिए यही एकमात्र रास्ता था। हुआ ये कि फ्रांसीसियों के अंडर था माहे के बंदरगाहें, ठीक है, क्या करा, धीरे धीरे अंग्रेजों ने वो भी फ्रांसीसियों से छीन लिए। और उनको छीनने के बाद में जब हैदर अली को पता लगा कि उनकी तरफ से छीन लिए गए हैं, तो हैदर अली ने अंग्रेजों को बोला कि आपके अंडर जो आपने जो अपने अंडर माही के बंदरगाह लिए वो वापस कर दिया जाए, क्योंकि मैसूर से जो भी व्यापार किया जा रहा था, उस व्यापार का एकमात्र रास्ता ही वही था, क्या, माही के बंदरगाह, क्योंकि मैसूर के व्यापार के लिए एकमात्र रास्ता था। अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा ये बात मना कर दी गई कि, सॉरी, अंग्रेजों के द्वारा ये बात मना कर दी गई कि हम माहे के बंदरगाहों पर से अपना नियंत्रण नहीं हटाएंगे। परिणाम स्वरूप 1780 में द्वितीय मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। अंडरलाइन करिए इस लाइन को कि 1780 में द्वितीय मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। हैदर अली की युद्ध के बीच में ही 1782 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मतलब कि अभी जो मैसूर का द्वितीय युद्ध था वो चल रहा था, जो 1780 में शुरू हुआ था, और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन यहाँ ये बनते हैं कि मैसूर का युद्ध कब द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1780 में। मैसूर के नवाब हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 में। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मतलब कि बेटा, वो अभी भी मैसूर का जो युद्ध था, मैसूर का जो द्वितीय युद्ध था वो जारी था, वो चल रहा था, ठीक है। मैसूर का द्वितीय युद्ध चल रहा था, मैसूर के नवाब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, लेकिन युद्ध इसलिए चल रहा था क्योंकि मैसूर का जो नवाब का जो पुत्र था, हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वो अभी भी जिंदा थे और वो लड़ाई लड़ रहे थे। अतः अंततः
है 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि संपन्न हुई, जिसके द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। इस प्रकार द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 अर्णित तक चला। मतलब कि ये हुआ बेटा कि 1780 में मैसूर का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें 1782 में मतलब कि 2 साल तक वो युद्ध चला, और 2 साल के बाद 2 साल खत्म होने पर हैदर अली जो उसके नवाब थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद स्टिल अभी भी चल रहा था मैसूर का द्वितीय युद्ध, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान उस टाइम पे थे, ठीक है, और टीपू सुल्तान युद्ध कर रहे थे। परंतु जब युद्ध को चलते चलते 4 साल हो गए, मतलब कि 1784 आ गया, और 1784 में बेटा मंगलोर संधि की गई, मंगलोर में जाकर संधि हुई, ठीक है, और संधि करते टाइम, क्योंकि बेटा ये युद्ध करते करते बहुत आगे तक पहुंच जाए करते थे, और मंगलोर में जाकर उनके बीच में संधि हुई। 4 साल से अगर कोई भी नहीं जीत रहा, सारे कभी अंग्रेजों के मरते, कभी मैसूर के शासक मरते, कभी कोई मरता, कभी कोई मरता, चीजें चल रही थी। तो उन लोगों ने संधि की और जितने भी राज्य जीते थे, जैसे कि उन्होंने अपने अपने राज्य अलग अलग कर लिए आराम से। इस प्रकार द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए 1780, एक तो पहले ये अंडरलाइन करेंगे कि 1784 ईस्वी में मंगलोर में संधि संपन्न हुई, ठीक है, उसके बाद में आप अंडरलाइन करेंगे कि मैसूर का द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 हुआ, और उसके मध्य 1782 में मैसूर के नवाब के कौन थे, मैसूर के एक मिनट बेटा माइंड से निकल गया, एक मिनट, हैदर अली, सॉरी, ठीक है, हैदर अली है, उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए तृतीय मैसूर का युद्ध, 4 युद्ध हुए थे, 2 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले में भी संधि हो गई, किसी की डेथ नहीं हुई, दूसरे में हमने देखा कि हैदर अली मर गए। अब थर्ड में देखते हैं हम क्या रहता है। मंगलोर की संधि अंग्रेजों एवं टीपू दोनों के बीच के लिए युद्ध विराम से कुछ से अधिक कुछ नहीं था। मतलब कि जो मंगलोर में संधि हुई थी, ठीक है, मंगलोर में जो संधि 1784 में की गई थी, क्योंकि कोई भी विजय नहीं हो रहा था, तो सीधी सीधी बात है इन दोनों को आराम से बैठाने के लिए संधि की गई थी, युद्ध को विराम देना ताकि लोग ज्यादा ना मरे, क्योंकि दोनों ही दक्षिण में अपनी सर्वोच्चता के दावे को तय करने के लिए लायल्ती थे। मतलब कि दोनों के दोनों जो दक्षिण का एरिया था, मैसूर, कर्नाटक, ठीक है, हैदराबाद, इधर की तरफ के जो भी एरियाज थे, वहां पर ये दोनों अंग्रेज और जो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान थे, ये हार नहीं मानना चाहते थे, ये अपना कब्जा रखना चाहते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम रहें, और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ये चाहते थे कि मैं रहूं। 1786 से 1793 के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल, अंडरलाइन करिए इस लाइन को बेटा, 1789 से 1793 के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन बनेगा 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था टीपू सुल्तान के द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण, जिसका शासक कंपनी का मित्र था। मतलब बात यहाँ यह आती है कि तृतीय मैसूर का तृतीय युद्ध क्यों हुआ। तृतीय युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि पहल किसने करी, पहला कदम किसने रखा, पहला कदम रखा टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ने किस तरीके से कदम रखा कि ट्रावनकोर पे आक्रमण कर दिया, और जो ट्रावनकोर कंपनी का जो शासक था वो था किसका मित्र, कंपनी का मित्र, ठीक है, ट्रावनकोर जो शासक था वो कंपनी का बहुत अच्छा मित्र था। हैदराबाद का निजाम और मराठे टीपू की बढ़ती हुई शक्तियों से पहले ही शंकित थे, किंतु अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते थे। मतलब कि हैदराबाद के नवाब निजाम जो थे वो, और मराठे बहुत अच्छे से जानते थे कि टीपू सुल्तान की पावर कितनी ज़्यादा है, टीपू सुल्तान कितने ज़्यादा पावर थे, इसीलिए वो टीपू सुल्तान को एक तरीके से खतरा मानते थे। कौन कौन, हैदराबाद के निजाम और मराठे। 1790, इसीलिए 1790 में निजाम, मराठों एवं अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि कर ली। मतलब अब मिल कौन कौन गया, अब एक ग्रुप बन गया किस किस का, निजाम मतलब कि हैदराबाद के निजामों का, मराठों का और अंग्रेज, ये हो गए एक साइड, और टीपू सुल्तान रह गए अकेले साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तृतीय में
कौन कौन साथ मिल गए? तृतीय में साथ मिल गए हैदराबाद के निजाम, मराठा, अंग्रेज, और अकेला कौन रह गया साइड में? टीपू सुल्तान। इसकी सम्मिलित सेना में टीपू की राजधानी श्री रंगपटम, एक मिनट बेटा, हाँ जी, टीपू की राजधानी श्री रंगपटम पर घेरा डाल दिया और टीपू को संधि के लिए बाध्य कर दिया। मतलब कि अब बेटा बात यह है कि टीपू सुल्तान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अब एक साइड में ग्रुप बन गया है, किस किस का? अंग्रेजों का, निजाम का, और उसके बाद में आया कौन? मराठे, इनकी आ गई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब टीपू सुल्तान के ऊपर क्या करना है, टीपू सुल्तान को बाध्य करना है, मजबूर। बाध्य का मीनिंग होता है मजबूर करना, ठीक है? बाध्य करना है किस चीज के लिए? कि वो संधि पर हस्ताक्षर करते, ठीक है? तो क्या किया, टीपू सुल्तान की राजधानी श्री रंगपटम, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, टीपू सुल्तान की राजधानी, अंडरलाइन करिए बेटा इस लाइन को, टीपू सुल्तान की राजधानी श्री रंगपटम, इन पर घेरा डाल दिया किसने? अंग्रेजों ने, निजामों ने और मराठों ने। 1792 कब डाला था? 1790 में, ये भी अंडरलाइन करेंगे, 1790 में डाला था। 1792 ईस्वी में श्री रंगपटम की संधि ने दक्षिण में टीपू सुल्तान के वर्चस्व को खत्म कर दिया, ठीक है? मतलब कि 1792 में, 1790 में उन्होंने आक्रमण की, एक तरीके से घेराबंदी कर ली श्रीरंगपटम पे। उसके बाद में 2 साल तक उन्होंने घेराबंदी रखी, और 1792 में जाके श्रीरंगपटम में टीपू सुल्तान ने संधि कर ली। और टीपू सुल्तान ने संधि करने के साथ साथ जो उनका वर्चस्व था, वर्चस्व मतलब जो उनका नेता था, जो उन्होंने अपना राजपाट इतना अच्छा जमाया हुआ था, वो उनको खत्म करना पड़ा। उसे अपने कई क्षेत्र मराठों को देने पड़े। मतलब संधि करी, संधि करने का मतलब है शर्तें कुछ मानना एक दूसरे की, ठीक है? और उन शर्तों में क्या क्या शर्तें मानी कि कुछ एरियाज थे, जो कुछ क्षेत्र थे टीपू सुल्तान के पास, वो उन्होंने मराठों को दे दिए, कुछ निजामों को दे दिए और कुछ अंग्रेजों को दे दिए। युद्ध के मुआवजे के रूप में एक भारी राशि देनी पड़ी। मतलब कि जब हार ही गया, जब उन्होंने अपने घुटने ही टेक लिए टीपू सुल्तान ने, तो उनको एक तरीके से जुर्माना भी देना पड़ा। इस प्रकार टीपू सुल्तान को अत्यधिक नुकसान के साथ साथ तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। अंडरलाइन कर लीजिए कि मैसूर का तृतीय युद्ध 1790 से 1792 तक चला, ठीक है? ये था थर्ड। अब देखेंगे हम चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 के समय लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है? सीधी सीधी बात है कि मैसूर का चतुर्थ युद्ध हुआ 1799 में, अंडरलाइन इसको अंडरलाइन करिए, 99 में हुआ, ठीक है? उसके बाद आप लोग देखिए बेटा कि अंडरलाइन करेंगे लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल। यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल, सॉरी, मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब हुआ? मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 में हुआ, ठीक है? और लॉर्ड वेलेजली मतलब कि बंगाल के नवाब, बंगाल के गवर्नर जनरल कब रहे? वो रहे 1798 से 1805 तक। टीपू तृतीय मैसूर युद्ध में हुई हार का बदला लेने के लिए कृत संकल्प था। मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए थे, क्योंकि उधर 3 लोगों का आपस में गुट था, निजामों का, मराठों का और अंग्रेजों का, इसलिए टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी थी, ठीक है? इसलिए उन्होंने एक तरीके से संकल्प, एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे मेरी हार का बदला लेना ही है। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी की तथा अपनी घुड़सवार सेनाओं में एक नए सैनिक की भर्ती की, ठीक है? मतलब कि सेनाओं में नए सैनिकों की भर्ती की, मतलब कि उन्होंने अपने जो उनका किला था उसकी किलेबंदी कर ली, उनकी सिक्योरिटी वगैरह स्टार्ट कर, सिक्योरिटी अच्छी से करवा ली। उसके बाद में उन्होंने घुड़सवार सैनिकों की भी वो करी, भर्ती करनी शुरू करी। वेलेजली को टीपू के इरादे भापने के समय नहीं लगा था। मतलब कि जो अभी हमने पढ़ा, लॉर्ड वेलेजली जो बंगाल के क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल बन गए थे, वो जान ही नहीं पाए कि टीपू सुल्तान क्या करना चाह रहे हैं, सोच ही नहीं पाए थे वो। इसीलिए उसने निजाम एवं मराठों के साथ त्रिगुट संधि को पुनर्जीवित किया। मतलब कि सीधी सीधी बात है, थर्ड युद्ध में ऑलरेडी 3 ग्रुप थे, अंग्रेज,
ठीक है। और उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अंग्रेज, उसके बाद आए निजाम, उसके बाद आए मराठे, ये तीन ग्रुप बना। अब दोबारा से फोर्थ में जब एकदम से टीपू सुल्तान ने अपनी हार का बदला, जो उसकी इतनी बेइज्जती, उसका उतनी हार हुई, उसका बदला लेना शुरू किया, उसका बदला लेना चाहा, तो बेटा बदला लेने के बाद में ये चीज आई कि जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेज अली, वो इतनी ज्यादा पहचान नहीं पाया था कि वो सोच ही नहीं पाया कि अब मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चुपचाप से दोबारा से अपना ग्रुप बना लिया, वही सेम अंग्रेज, निजाम और मराठा। चतुर्थ, मैसूर युद्ध अत्यंत संक्षिप्त परंतु निर्णायक था। अंग्रेज सेना ने टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया। वही सेम दोबारा से उन्होंने मिलकर श्रीरंगपट्टम, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मैसूर का शेर टीपू सुल्तान मारा गया। तो बेटा इसको आप डाल सकते हो, लाइन लिख सकते हो, मैसूर का शेर मारा गया, मतलब कि आएगा कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर के चतुर्थ युद्ध 1799 में हुई। अंग्रेजों ने कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टम सहित मैसूर के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देख लीजिए आप कि धीरे धीरे अंग्रेज किस तरीके से हर जगह अपना हक जमा रहे हैं। अब देख लीजिए टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम, मतलब कि एक तरीके से लगा लीजिए जो उनका दक्षिण का भाग है, जो उनका साउथ का भाग है, इंडिया के साउथ का भाग है, उस पर कंप्लीट पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान की ओर से लड़ने वाले फ्रांसीसी भी सदा के लिए भारत से बाहर कर दिए गए। मतलब फिर से अंग्रेजों ने एक चाल चली और चाल के अकॉर्डिंग जो फ्रांसीसी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उनका भी उन्होंने विश्वासघात किया और उनको भी भारत से बाहर खदेड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम मराठा युद्ध। देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दे डाली थी। मतलब कि अब मराठा की बात कर रहे हैं हम कि मराठा किस तरीके से अपनी पावर दिखा रहे थे, कि मराठा 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और शिवाजी जो उनके नेता थे उनके नेतृत्व में उन्होंने मुगलों को भी चुनौती दे दी। परंतु 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध, बेटा पानीपत के तीन युद्ध हुए थे ठीक है, और जब पानीपत का तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दली के हाथ पराजय से उनकी शक्तियों को आघात पहुंचा। पर क्या हुआ कि 1761 में जब पानीपत का युद्ध हो रहा था तो मुगलों के वजह से, मुगल की वजह से, मुगलों के एक शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथ पराजय में उनकी शक्ति को आघात पहुंचा। यहाँ किसकी पराजय हो रही है? यहाँ हो रही है मराठा की पराजय, ठीक है। मतलब कि पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें मराठों की पराजय हो गई थी, और पराजय किसकी वजह से हुई थी? जो अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली के हाथों। उस समय मराठा शक्ति के चार केंद्र थे। गुजरात गायकवाड़ा शासकों के अधीन था जो बड़ौदा से शासन करते थे। भोसले नागपुर के शासन करते थे। मालवा का एक भाग होलकर के अधीन था जो इंदौर से शासन करते थे, बल्कि भाग सिंधिया के बाकी भाग सिंधिया के अधिकार में था जो ग्वालियर में शासन करते थे। बेटा आप इसको एक बार की रीड कर लीजिएगा कि पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से जो थे मराठा, हाँ जी, कि मराठा के अकॉर्डिंग मराठा के अंडर कौन कौन से राज्य थे। आप सीधी सीधी बात ये याद रखेंगे, बड़ौदा ठीक है, उसके बाद आएगा नागपुर, उसके बाद आएगा आप देखो इंदौर, उसके बाद आएगा हमारा ग्वालियर, ये चार आप याद रखेंगे ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष था।
मतलब कि मराठा संघ होता है, मराठाओं की जो ग्रुप होता है उनके जो हेड होता था अध्यक्ष, उसको बोला जाता था पेशवा। अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मराठा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, आंसर आएगा पेशवा। अंग्रेजों ने पेशवा के पद के लिए वृद्ध रघुनाथ राव को समर्थन दिया, जबकि बाकी मराठाओं ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में माधवराव द्वितीय को समर्थन दिया। मतलब कि ये था कि अंग्रेजों, जब अब बात आती है कि पेशवाओं का चुनाव हो रहा है, ठीक है, पेशवा का चुनाव हो रहा है, पेशवा मतलब कि मराठा संघ का हेड बनाया जाएगा, मराठा संघ के लिए चुना जाएगा एक व्यक्ति, ठीक है। तो हेड बनाने के लिए बेटा क्या किया जाएगा कि अंग्रेजों ने किसको चुना, वृद्ध रघुनाथ राव को, ठीक है। मतलब कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो बूढ़ा रघुनाथ राव है वो बन जाए, ठीक है, सीधी सीधी बात है, बूढ़ा है उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, ठीक है। बल्कि बाकी के जितने भी मराठा थे उन्होंने साथ दिया था नाना फडणवीस को, कि मराठा ये चाहते थे कि नाना फडणवीस हमारे पेशवा बने, मतलब कि हमारे ग्रुप के हेड बने, और अंग्रेज ये चाहते थे कि वृद्ध रघुनाथ राव बने। नेक्स्ट देखिए, परिणाम स्वरूप इन दोनों पक्षों के बीच, मतलब कि अब इनके चुनाव की बात आ रही है कि पेशवा कौन बनेगा, ठीक है, चुनाव के बीच प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ, मतलब कि पेशवा को लेकर ही इनके आपस में क्या हुए, युद्ध हुए। आधे अंग्रेजों की तरफ, मतलब ये हो गया, अंग्रेजों ने आधे लोगों को साथ दिया जो कि चाहते, जो चाहते थे कि युद्ध रघुनाथ राव बने, और बाकी के जितने भी मराठे थे जो चाहते थे कि नाना फडणवीस बने, वो आगे आधे अलग हो गए और उन्होंने ही आपस में युद्ध होने लगा। 1775 से 1818 के बीच तीन आंगल मराठा युद्ध लड़े गए। अंडरलाइन कर लीजिए, लाइन है 1775 से 1818 से के बीच तीन आंगल मराठा युद्ध लड़े गए। यहाँ क्वेश्चन बनेगा तीन आंगल मराठा युद्ध कब लड़े गए, आंसर आएगा 1775 से 1818 के बीच। तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच शक्ति को संपूर्ण समाप्त कर दिया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तथा मराठा राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बात आती है बेटा कि ये जो तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ, आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए कि ये जो तीन आंगल मराठा युद्ध हो रहे थे इसमें अंग्रेज तो जीत गए, अंग्रेज जीत गए मतलब कि वो जो कि वृद्ध आदमी को जिताना चाहते थे, वृद्ध आदमी को पेशवा बनाना चाहते थे, अंग्रेज तो जीत गए और मराठा हार गए, ठीक है। उनकी वजह से, मराठाओं की हारने की वजह से बेटा 1818 में, लिखिए 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। लिख लिया, 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया, मतलब कि अब मराठाओं का कोई हेड ही नहीं रहेगा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाएगा वहां पर भी राजकाज, ठीक है। मराठा मुखियाओं को सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई, मतलब कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने अपना राजकाज बनाना शुरू कर लिया, अंग्रेजों ने अपना सारे काम करने शुरू कर लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये रहा गया कि अब मराठा अपनी ना ही तो सेना रख पाएंगे, ना ही कोई रूल बना पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे, जो भी काम, जो भी रूल होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो अंग्रेजों के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों? क्योंकि जो थर्ड युद्ध था 1818 में, जब हारे मराठा तब अंग्रेज जीत गए थे, तो उन्होंने अपनी अपने रूल्स बना लिए थे, ठीक है, समझ आ गया बेटा। लक्षिता समझ आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पढ़ाया है तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध, मराठा का युद्ध, ठीक है, मराठा के तीन युद्ध हमने पढ़े, तो आप आज इनको रिवाइज करेंगे। अगर आपको बेटा, जिसने क्लास नहीं ली, आपको पीछे आप अपना रिवाइज करिए, रीड करिए, वीडियोस देखिए, अगर आपको किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी लाइन से कोई भी टॉपिक लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप अपना इसके जो
इन बिटवीन क्वेश्चंस जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं आप वो फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे और इवनिंग तक मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। बाकी के आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू।